asalaamu alaikum dear student it is me maruf mr. maruf Herman, teacher BHS sticker today's topic is how a client was saved it is based on the honesty it is uh, written by man Karam das Chand gandhi we generally know him by the Name Gandhi Ji, Bapu etc. He was a great leader acknowledged everywhere in the world, who led the Indian national nation movement and used non-violent methods, and ultimately was successful in securing independence for India from British in, in nineteen <laughs> लेसन है इसमें गांधी जी का एक साथी जिसका नाम पारसी रुस्तम जी था और कोवरकर भी और अच्छा ग्यारह दोस्त था गांधी जी का जो के इंडल्ज था स्मगलिंग में लेकिन उसने गांधी जी को बहुत सारी बातें बता के रखी थी ये बात स्मगलिंग की गांधी जी को नहीं बताई थी जिसके कारण बाद में अचानक उसका ये गुनाह सामने आ गया तो गांधी जी के पास की आंखों में आंसू लिए हुए कि मुझे बचाओ गांधी ने बोला इसको कि तू बहुत जुर्मदार जुर्मवार है तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताया तूने मुझे नहीं धोखा दिया बल्कि गवर्नमेंट को भी आप तूने धोखा दिया है तो इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी आपको जेल में जाना ही पड़ेगा तो फिर भी वो बार बार इसरार करने लगा कि मुझे बचाओ तो गांधी जी ने उसको बताया कि इसने बचने की कोई सूरत नहीं है आपको तो पेनल्टी देनी ही पड़ेगी या तो जेल जाना पड़ेगा या ये जो भी है पेनल्टी होगी वो आपको देनी पड़ेगी तो उसने बताया कि पहले अगर आपने बताया तो तो मैं इस काम से आपको ज़रूर रोकता ये बुरे काम उसे आपको रोकता लेकिन आपने मुझे पहले बताया नहीं है इतनी इस इसी सना में वो कस्टम ऑफ़िसर के पास गांधी जी गए तो उनको बताया कि ये बहुत कन्फेस्ट कर रहा है अपनी गलती को मान रहा है बोझ पथ पथ पछुता रहा है तो कस्टम ऑफिसर को उन्हें बोला कि अगर इस मामले को यहाँ ही निपटा जाए पोर्ट में ना जाने दिया जाए और ये इसको अगर स्मैगलिंग इस की है तो उसकी दुगनी कीमत के बराबर अगर इसको भुगतान दे तो जितनी कीमत उसने स्मगलिंग में अगर ख़ारिज किया उसकी उसकी दुगनी कीमत वो देगा तो इसक, इसको यहां इसके इसको अगर यहाँ इस केस को निपटा जाए तो बेहतर रहेगा बहरहाल ये तो कस्टम ऑफिसर के हाथ में नहीं था इसको भी जहाँ अटारनी जनरल के हुक्म के मुताबिक ही चलन होगा इसको बहरहाल ऐट लास्ट गांधी जी अटारनी जनरल के पास चले गए वो वहाँ जाके उनको मनवाने में कामयाब हो गए तो आखिर में मामला जो है निप आपसी ही न, ही आपस में ही निपटाया गया समझौता हो गया और रस्तम जी से कहा गया कि वो इसकी दुगनी कीमत जुर्माने के तौर पर अदा करे तो इस तरीके से रुस्तम जो है वो इस कोर्ट में जाने से बच गया और सच्चाई इस सच्चाई को उसने कागज़ पर लिखा और इसको लिख कर फ्रेम उसके ऊपर चबाया और ये फ्रेम अपने दफ्तर में लटका दिया ताकि इसके बाद आने वाली नसर और इसके साथ ही ताजरों के लिए ये एक नसीहत रहे कि सच्चाई जो है और अमन ईमानदारी जो है ये हमेशा रहने वाली चीज़ है और गलत चीज़ जो है उसका नतीजा गलत ही आता है तो इसी के साथ आज इसको हम ख़त्म करते हैं तो कल के लेसन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसके पैराग्राफ के लिहाज से ट्रांसलेशन करके मैं समझाऊंगा आपको होप कि आपको इसकी समझ आई होगी